तुम्हें से बहुत सारे बच्चे ये कमेंट्स करते कि भैया क्या केमिस्ट्री एग्जाम टफ आएगा या फिर इजी, राइट? बिकॉज एक बार तो एग्जाम्स ऑलरेडी कैंसिल हुआ, अखवा फैला था कि पेपर शायद लीक हुआ है, ठीक है, अब क्या है, ठीक है। एंड इसके साथ बहुत सारे बच्चे के कमेंट्स ये थे कि भैया मैथ्स के एग्जाम बहुत बढ़िया नहीं गया है, क्या अगर हम फेल करते हैं, अगर मेरा नंबर अच्छा नहीं आता था तब क्या होगा, क्या हमको सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के अंदर बैठना है, या फिर भैया इंप्रूवमेंट एग्जाम्स क्या होता है, या फिर कम्प्लीमेंट्री या फिर कंपार्टमेंट एग्जाम्स क्या होता है, इसका रूल्स क्या है, थोड़ा बताइए, ठीक है। मैं ये दो टॉपिक को लेकर बात करने वाला हूँ। पहला बात तो है कि भैया अगर हम बात करते हैं आईएससी केमिस्ट्री का, मैंने ऑलरेडी लास्ट मिनट सजेशंस वीडियो बना कर रखी है, जाकर देख लो, कार्ड में लिंक दूंगा या फिर नीचे दे दूंगा लिंक, ठीक है, जस्ट गो एंड वॉच दैट थिंग। एंड मैं जितना चीज बोला उतना कर लो बेटा, ठीक है। अब बात है भैया टफ है, देखो यार एक बार पेपर कैंसिल हुआ, ठीक है, एक बार पेपर कैंसिल नहीं हुआ बेटा, पोस्टपोन करवा दिया गया, ठीक है। अब इन जनरल बहुत लोगों का मानना है कि भैया पोस्टपोन अगर कोई पेपर एक बार होते हैं तो वो टफ आने का चांसेस या फिर प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाता है, बिकॉज इतना दिन के बाद पेपर दे रहे हैं, ठीक है। उसके पहले मैं दो बातें तुमको थोड़ा बोल देता हूँ, ठीक है। देखो यार अगर फिजिक्स, ठीक है यार, अगर फिजिक्स तुम्हारा बहुत बढ़िया नहीं गया है या फिर मैथ्स के अंदर तुम्हारा अगर डाउट है, तो बेटा तुम यार अगर तुम इस दोनों सब्जेक्ट के अंदर तुम्हारा डाउट है तो तुम केमिस्ट्री के अंदर इतना दिन से पढ़ाई क्यों नहीं की, पहला बात तो ये। भैया नहीं किया, नहीं किया छोड़ दीजिए, अब क्या करना है ये बोलिए, राइट। देखो मेरा सिंपल सा मानना ये है कि अगर फिजिक्स में अगर तुम एवरेज नंबर लेके आ रहे हो, अगर केमिस्ट्री में तुम हाई लेके आ रहे हो एंड मैथ्स में भी अगर एवरेज आता है, तो बेटा ये मिला के अगर 75% के ऊपर जाते हैं तो बेटा तुम हर एक बढ़िया बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए तुम एलिजिबल हो, सिंपल सा बात है, ठीक है। कुछ कॉलेज अपने क्राइटेरिया को थोड़ा हाई करके रखते हैं, जैसे कि IIM कॉलेज कोलकाता का, वो थोड़ा हाई बना के रखा, ठीक है, ठीक है यार, वो भी कॉलेज बढ़िया है, अलग बात है। IITs के अंदर भी 75% क्राइटेरिया सब तुमको सबको पता है, राइट। जाधवपुर के अंदर भी ये भी क्राइटेरिया मैंडेटरी है, ठीक है। अब बात है भैया पेपर टफ आएगा या फिर इजी। देखो यार मेरे को लगता है पेपर बहुत टफ नहीं आएगा, बट मॉडरेट आएगा, बिकॉज व्हाई, बिकॉज पेपर लीक नहीं हुआ था, पेपर मिस इंटरप्रिट किया गया था, कैसे यार, उसका एक अंदर सा रीजन है, कोई और पेपर शायद ओपन अप हो गया था, कुछ लोगों का मानना ही है जो कि न्यूज फैल रहे हैं, ठीक है। बट CIIC की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट ना तो प्रेस को दिया गया है ना हमको, मतलब हम स्टूडेंट्स को मिला, राइट। तो उतना यार सोचो मत, मैं इतना बोलूंगा बेटा मॉडरेट सोच के चलो एंड ट्राई करो, एक हाई मार्क्स लेके आना केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। एंड अगर तुम मान लेते हैं तुम मैथ्स के अंदर, बेटा फेलियर कोई नहीं करता, ठीक है, अगर थोड़ा सा ही बना के आए हो ना यार। आई नो मैथ्स का पेपर टफ आया था, मैं मान रहा हूँ बेटा मैथ्स का पेपर बहुत टफ आया था, मैंने लिटरली मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। मैं जितने सारे बच्चे को पूछा सब बच्चे ने मेरे को 98% बच्चे मेरे को बोला है कि भैया मैथ्स का पेपर हार्ड आया है। देखो यार हार्ड बोल सकते हैं बेटा, अब क्या कर देंगे, बोले करेंगे क्या, राइट। दो ऑप्शन है, अगर तुम फेल करते हो या फिर अगर तुम्हारा मार्क्स लेस आता है, तो अगर तुम्हारा मार्क्स लेस आता है ऑन दैट केस यू कैन अप्लाई फॉर इंप्रूवमेंट एग्जाम, ठीक है। अगर तुम फेल करते हो तब आता है बेटा कंपार्टमेंट एग्जाम, ठीक है। इसका रूल क्या है क्या नहीं है, मैं सारे चीज को लेकर मैंने अलग से एक वीडियो बना के रखा हो, जाके देख लो, सर्च करो आकाश टॉक्स इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जाम्स के बारे में, नीचे मिल जाएगा, मैं उतना यार रिपीट नहीं करने वाला हूं, जाके वो वाला वीडियो को देखो, मैं उसके अंदर डिटेल्स में CIIC के जो स्पेसिफाइड रूल्स है मैं वो लेके बात कर दिया, ठीक है। हर साल थोड़ा रूल्स चेंज करते हैं, इस साल पता नहीं क्या करेगा, बट लास्ट ईयर के रूल्स एक बार देख लो पता चल जाएगा, ठीक है। एंड इसके साथ वीडियो खत्म करने से पहले बेटा, ठीक है, अगर तुम कोई मेरे कॉलेज के अंदर एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हो, ठीक है, या फिर काउंसलिंग के लिए इंटरेस्टेड हो, तो नीचे एक गूगल फॉर्म है उसको फिलअप करो एंड मेरे से कॉन्टेक्ट करो, ठीक है, मैं यार फ्री में करा दूंगा, बिकॉज मैं सब में जो जॉब करते हैं, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय, गुड नाइट एंड ऑल द वेरी बेस्ट। टेंशन मत देना यार, कोई भी दिक्कत है यार अगर तुम बोलोगे भैया आप क्लासेस करवाइए तो मैं ऑफिस से आके भी करवा दूंगा केमिस्ट्री, ठीक है, बट कमेंट करना, ठीक है, ऑल द बेस्ट।